हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं रेखा। दिवाली का त्यौहार आने वाला है और दिवाली के त्यौहार पर हम बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको कई तरह की मिठाइयाँ बनानी सिखाई है, तो आज मैं आपको चॉकलेट बर्फी बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चॉकलेट बर्फी बनाएंगे। एक पैन को गैस पर चढ़ा लेंगे, 2 चम्मच घी डाल देंगे। तो मैं 1 कटोरी इसमें मिल्क पाउडर डाल दूंगी। इसमें हम 1/2 कटोरी दूध डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल लेंगे। और इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे। दूध गाढ़ा हो गया है और अब गैस को बंद कर देंगे। मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देंगे और इनको अच्छी तरह मिला लेंगे। ये देखिए, मिक्सचर के 1/4 भाग को हम ये बटर पेपर लगा के इसमें डाल देंगे और बचे हुए मिक्सचर में हम ये 1 चम्मच मेल्ट की हुई चॉकलेट मिला देंगे। इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप बॉक्स में थोड़ा चिकना करके उस पर फैला सकते हैं। बर्फी के मिक्सचर पर हम चॉकलेट मिक्स की हुई बर्फी का मिक्सचर इसमें फैला देंगे ऊपर से। इसको एक सार करके 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। हमने बनाई थी चॉकलेट बर्फी, तो ये मैंने फ्रिज में रख दी थी सेट होने के लिए। तो ये हमारी अच्छी तरह से जम गई है। तो अब इसको निकाल के इसके पीसीस काट लेते हैं। ये चॉकलेट बर्फी हमारी बन गई है। देखिए कितनी अच्छी चॉकलेट बर्फी बनी है। तो ये हमारी चॉकलेट बर्फी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही बढ़िया बर्फी बनी है। और हम इसमें चॉकलेट की जगह कोकोया पाउडर भी डाल सकते हैं 1/2 चम्मच। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।